क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में हम लोग प्रभु येसु क्रिस्त के अपने मृत्यु के समय क्रूस से कहे गए वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं। क्रिस्त की दुख और यातना में भाग लेते समय उनके मनोभावों को अपनाने के लिए इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने प्रभु के तीन वचनों पर मनन चिंतन किए, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि निश्चय ही आज ही तुम परलोक में मेरे साथ होगे, और भद्रे यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हारी माता है। इन वचनों के बाद प्रभु ने क्रूस से जो चौथा वचन कहा उसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे। हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 27 में इस प्रकार पढ़ते हैं, पद संज्ञा 45 और 46। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबाक्तानी। इसका अर्थ है, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। तो ये है चौथा वचन, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। प्रथम दृष्टि में बहुत निराशाजनक और चिंताजनक शब्द है ये। प्रभु येसु बहुत समय से क्रूस की पीड़ा सह रहे हैं। दुखपूर्ण क्रूस रास्ता, उसके दौरान कोड़ों की मार, कांटे का मुकुट और अपने शरीर में कीले ठोके जाने का दर्द, और पृथ्वी और आकाश के बीच में क्रूस पर 3 घंटों से प्रभु टंगाए हुए हैं, और करीब 3 घंटे क्रूस पर रहने के बाद पूरे प्रदेश में अंधेरा छा गया, और तीसरे पहर तक ईसा ने जोर से पुकारा, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। ऐसा लगता है शरीर का जो दुख, शरीर की जो वेदना है वो आत्मा में फैल गई है। शरीर में वेदना बहुत असहनीय होती है, तो आत्मा की पीड़ा और भी अधिक असहनीय होती है, और येसु अपनी इस वेदना को, इस दुख को प्रकट करते हैं। सबसे पहले ये दर्शाता है कि प्रभु सचमुच में क्रूस पर यातना सह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रभु ईश्वर था, इसीलिए उनको टंगाए जाने पर भी उनको कोई दुख नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं है। प्रभु येसु पूर्ण रूप से मनुष्य और पूर्ण रूप से ईश्वर था। अपूर्ण रूप से मनुष्य होने के कारण उनकी जो वेदना थी, उनका जो दुख था, वो सच्ची वेदना थी।
सच्चा दुख था, कोई नाटक नहीं था। इसके बारे में इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु येसु हमारा प्रधान याजक है, क्रूस पर उनकी मृत्यु के द्वारा उन्होंने मृत्यु और पाप पर विजय पा लिया, और हमारी हर दुर्बलताओं में और हमारी हर कठिनाइयों में हमें सहायता करने के लिए वो सशक्त है। इसका कारण क्या है बताते हुए इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिसे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। तो हमारी सब दुर्बलताओं में वो हमारे साथ सहानुभूति इसलिए रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़ अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। उनका दुख क्रूस पर उनकी वेदना सच्ची थी, और ऐसे समय पर उनका शरीर की पीड़ा, उनका मन की वेदना प्रार्थना के रूप में बाहर निकल आता है। हे प्रभु, एली एली लेमा सबक्तानी, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। उनका मन की भावना स्तोत्र ग्रंथ 22 के जो शब्द है उनके द्वारा प्रकट किया जा रहा है। स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र संख्या 22 ये मुक्तिदाता के मसीहा के बारे में एक स्तोत्र है। ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर सदियों पहले राजा दाऊद ने ये स्तोत्र की रचना की। मानुषिक रूप से उनको कुछ नहीं मालूम था कि उन्होंने भविष्यवाणी के रूप में जो लिखा, जबकि ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उन्हें जो बातें बताई गई है वही उन्होंने लिखा। इस स्तोत्र में हम पढ़ते हैं, इसका आरंभ इस प्रकार है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह यहूदी लोगों के बीच में बहुत प्रचलित प्रार्थना में निरंतर उपयोग किए जाने वाला एक स्तोत्र था। इसलिए प्रभु येसु ने भी अपने समय में कई बार इस स्तोत्र को प्रार्थना के रूप में उपयोग किया था, और स्तोत्र के वही शब्द अपने मन की शरीर की उस पीड़ा को प्रकट करते हुए अभी बाहर आते हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि येसु बहुत निराश हो गए हैं। पिता ईश्वर में उनका जो भरोसा था, जो विश्वास था, वो समाप्त हो गया है। ऐसा नहीं, हम इसके पहले भी देखते हैं, अपनी अंतिम व्यालु के बाद गेत्सेमनी में अपने शिष्यों के साथ वो प्रार्थना करने गए, शिष्यों को अलग एक जगह पर बिठाकर उन्होंने उनसे कहा, बैठे रहो और प्रार्थना करो, और दूर जाकर घुटने टेकते हुए वह पिता ईश्वर से प्रार्थना की, और वो बहुत व्याकुल थे। और इसके बारे में हम सुसमाचार में देखते हैं कि किस प्रकार उनकी वेदना थी, कि उनका पसीना रक्त के बूंद बूंद बनकर टपक रहा था।
और वो धरती पर गिरकर अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, अब्बा पिता अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तीन बार उन्होंने प्रार्थना की, अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इस प्रकार अभी क्रूस से वो प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। विजयी व्यक्ति वही है जो दुख के, वेदना के आखिरी सीमा भी छू लेता है, फिर भी अपने विश्वास को त्यागता नहीं है, ईश्वर पर भरोसा बनाए रखता है। तो इसीलिए वेदना का वर्णन करना या अपना दुख को प्रकट करना कोई कमजोरी नहीं है। ऐसी अवस्था में भी अपने पिता से उनका जो संबंध है उसको वह प्रकट करता है। अगर प्रभु येसु इन वचनों के साथ अपनी सारी वचन बंद कर देते और उनकी मृत्यु हो जाते तो शायद बहुत दुख की बात होती। बात यह है कि यह उनका अंतिम वचन नहीं है। अपनी प्राण पीड़ा को प्रकट करने के बाद हम आने वाले वचनों में देखेंगे कि किस प्रकार मरने के पहले प्रभु येसु ने अपने अंतिम वचनों के रूप में कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। वही विश्वास, वही भरोसा। तो हम इस पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते समय हमें यह समझना है कि प्रभु येसु क्या दुख भोग, उनकी यादना, उनकी वेदना सच है। पूर्ण रूप से उन्होंने क्रूस की वेदना सह ली और उस दुख के द्वारा, उस मृत्यु के द्वारा ही हम सबों को मुक्ति दिलाई है। प्रभु येसु किसको पूर्ण रूप से मालूम था कि क्रूस की यातना सहना उनके लिए अनिवार्य है। उन्होंने तीन बार अपने प्रेरितों को, शिष्यों को बताया कि किस प्रकार उनको यहूदी लोगों के नेताओं, शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा टुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन पुनर्जीवित होना अनिवार्य है। और जब शिष्य लोग इसको समझने में असमर्थ थे तो उन्होंने उनको बार बार समझाया, इसलिए तीन बार बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपने शिष्यों को अपने दुख भोग के बारे में बताया। और यही बात प्रभु येसु क्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं कि जब शिष्य लोग प्रभु येसु क्रिस्त के पुनरुत्थान के बारे में जानने के बाद, उनमें से दो शिष्य लोग एम्माउस नामक गांव की ओर जा रहे थे और वे आपस में चर्चा कर रहे थे, बहुत निराश थे। और जब पुनर्जीवित येसु भी उनके साथ हो लिए और उनसे पूछा तो उन्होंने उनके मन की जो व्यथा है वो इन शब्दों में प्रकट किया, हम तो आशा करते थे कि वही इसराइल का उद्धार करने वाले थे। आशा करते थे, इसराइल का उद्धार करने वाले थे, मतलब हमारी आशा निरस्त हो गई है। तो प्रभु येसु उनके साथ चलकर उनको सुसमाचार में और पवित्र ग्रंथ में उनके बारे में नबियों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है उसके आधार पर उनको समझाया। हम पढ़ते हैं संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 24 पद संख्या 26
और 27, यीशु ने उनसे पूछा, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला करते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। उनको अच्छी तरह से मालूम था कि उनको पूर्ण रूप से यातना सहनी है और पूर्ण रूप से उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आखिरी वक्त तक कोशिश किया। जब हम इन वचनों को सुनते हैं, शायद हम अपने ही जीवन के बारे में सोचते हैं। हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा अवसर आता है जब कुछ अचानक दुर्घटना आने पर, शारीरिक रूप से कुछ बीमारी होने पर, या परिवार में कुछ संकट आने पर, या कुछ प्राकृतिक विपदाएं होने पर मनुष्य अपने आप से पूछता है, ये क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ये सब सहने के लिए मैंने क्या गलती की? क्या ईश्वर तुमने भी मुझे त्याग दिया? ऐसा अनुभव होता है कि अपने प्रियजनों के द्वारा, अपने मित्रों के द्वारा, इतना तक ईश्वर के ही द्वारा तिरस्कृत किए गए हैं। ऐसा निराशाजनक समय आ जाता है। तो ऐसे समय में प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करें। हमारे हृदय की वेदना को प्रकट करना कोई कमजोरी नहीं है, कोई गलती नहीं है। ईश्वर में हमारा जो विश्वास, जो भरोसा है, उसके आधार पर हम अपनी मन की सच्ची बातों को ईश्वर के सामने जरूर रखें। तो आइए हम प्रार्थना करें। सब कोई अपने हाथों को जोड़े, अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस की आराधना उपासना करते हैं। क्रूस से कहे गए उनके वचन, एली एली लामा सबक्तानी, ये वचन सुनकर हम अपने जीवन की यातनाओं को भी विश्वासपूर्वक आपके सामने रखते हैं। जब जब हम निराश हो जाते हैं, तिरस्कृत महसूस करते हैं, ऐसे समय में भी विश्वास और भरोसे के साथ आपके पास आने और मन की बातें आपके समक्ष रखने के लिए हमें धैर्य और बल प्रदान कर। आपकी आत्मा से हमें शक्ति प्रदान कर, ताकि हम प्रभु के समान ये सचमुच में कर सकेंगे। हे प्रभु, हम अपनी इन सब बातों को, जीवन की अवस्था को, हर कठिनाई और परेशानी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन को पूर्ण रूप से आपको समर्पित करने और हमारे दुख तकलीफों में आप हमें आशीष कृपा प्रदान कर। आमीन।